देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समिरन राय रोड ऑपोजिट इन SBI बैंक आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547-356154। संवाद सहयोगी शाकतोड़िया विकास प्रसाद के अनुसार नियामतपुर फांडी क्षेत्र के चीनाकुरी लाइन पर निवासी द्वारा अपने 3 पुत्रियों को दामोदर नदी में फेंके जाने के बाद आसनसोल सिविल डिफेंस रेस्क्यू टीम के सदस्यों को गुरुवार को दूसरे दिन भी 2 वर्षीय लक्ष्मी और करीब 7 से 8 वर्षीय चांदनी को ढूंढ निकालने में सफलता नहीं मिली है। मालूम हो कि घटना के आरोपी पिता मिथिलेश ठाकुर ने बुधवार को अपनी पहली पत्नी की पुत्री 10 से 12 वर्षीय प्रियंका और दूसरी पत्नी संगीता से 2 पुत्रियों चांदनी और लक्ष्मी को चीनाकुरी दामोदर नदी में फेंक दिया था। इस बीच वहीं आसनसोल नगर निगम जल टंकी पर कार्यरत राजकुमार चौधरी नामक व्यक्ति सहित अन्य ने दौड़ कर प्रियंका को बचा लिया, पर बाकी 2 बच्चियां नदी की तेज धार में बह गई। घटना को लेकर क्षेत्र में मातम का माहौल है। घटना के बाद से ही रेस्क्यू टीम उन 2 बच्चियों की खोज कर रही थी। चीनाकुरी लाइन पर निवासी मिथिलेश ठाकुर चीनाकुरी में ही एक किराना दुकान में कार्य करता था। उसकी पहली पत्नी करीब 6-7 वर्ष पहले वज्रपात में चल बसी थी। उससे पुत्र प्रेम ठाकुर और पुत्री प्रियंका का जन्म हुआ। पहली पत्नी के गुजरने के बाद मिथिलेश ने संगीता नामक एक अन्य महिला के साथ दूसरी शादी की। उससे चांदनी और लक्ष्मी का जन्म हुआ। मिथिलेश ठाकुर अपने माता पिता से अलग पास में ही टाली निर्मित दूसरे घर में अपनी दूसरी पत्नी तथा उससे जन्मी 2 पुत्रियों के साथ रहता था। माता पिता का बयान। मिथिलेश के पिता कारू ठाकुर एवं माँ गया देवी ने बताया कि पहली पत्नी से जन्मे प्रेम और प्रियंका मेरे साथ ही रहते थे। दूसरी पत्नी के साथ अक्सर झगड़े हुआ करता था। पूछे जाने पर कहा कि 2 दिनों पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों में झगड़े का कारण वे नहीं बता पाई। पिता ने कहा कि कई बार पूछा तो मिथिलेश ने कहा कि ये दोनों के बीच का मामला है, वैसे भी आप अलग रहते हैं। पुत्रियों को फेंके जाने के मामले में पिता ने बताया कि मैं नहीं था। एक 10वां कार्यक्रम के लिए नदी के दूसरे घाट पर गया था। मुझे बाद में दूसरे से घटना का पता चला, जबकि मिथिलेश की माँ ने भी कहा कि मुझे तो बाद में दूसरे से पता चला, मैं उस वक्त नहीं थी। आप मिथिलेश के पिताजी हैं। आपका नाम? क्या करते हैं आप? अच्छा, आपका ये पुत्र पर जो आरोप लगा कि उन्होंने अपनी 3 बेटियों को नदी में ले जाकर फेंका, आप क्या कहेंगे इस मामले में? हम हये नहीं, 10वां बनने पर लगी रामघाट में। अच्छा सर, तो हम तो आया तो वहाँ से आया तो मेस में हमारा को मालूम हुआ कि ठाकुर की लड़की ये 3 को डाल दिया है, ये वो छाना है और 2 ठो गायब है। क्या आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा कर सकते थे? आपका बेटा ने ऐसा किया होगा, आप कह सकते हैं कि सही है या गलत है? या आप तो की मानिएगा कि सही है कि गलत है, हम किसे बोल सके? हम देखे नहीं किए हैं कब गिया कब नहीं गिया। इस तरह हम, का आपका बेटा था? हाँ तो बेटा तो रहा, बेटा तो थोड़ा नहीं बोल सकता। हमारा मालूम नहीं है वो कि मार सकता है कि नहीं सकता, हम किसे धीरे में पूछ जान। अच्छा आप दादा हैं, आपको ये कम से कम पता होगा कि पति पत्नी में दोनों का संबंध कैसा था, अच्छा था या झगड़ा होता रहता था? डेली झगड़ा होता रहा। 3 बजे आता रहा दुकान से तो झगड़ा होता रहा। यहाँ पर घर में नहीं खाना खाता रहा, हमारा है 4 रोटी खा लेता रहा, हमारा घर में 4 रोटी खा लेता रहा, वही खा के चल जाते निकल जाता रहा। झगड़ा का कारण क्या था? अब झगड़ा खाल मालूम हमारा कैसे जनाना में कैसे झगड़ा होता किसी ने तो हम लगी मालूम होगा। अच्छा, वो तो वही दोनों समझेगा।
हम तो नहीं समझ सके। नहीं, कभी बेटा से आपने पूछा नहीं कि तुम लोग झगड़ा काहे करते हो? कहता है, वो तो बोल रहा है हमरा से कि तुरा के जरूरत नहीं है, तुम तो अलग है यहाँ पर, अब हम जो दू प्राणी कर सकता उधर। वो बेटा बोलते थे आपको? हाँ, ये वो बोल रहा था। वो मिथिलेश ठाकुर अभी कहाँ है? वो हाँ ही है, खुद का एक हो रहा पासवान के राम घाट में रहा। सवेरे 5 बजे चल गया, हमें बोला कि लग गया, 5 बजे चल गया वहाँ, हम काम कर रहा था वहाँ, काम करके हम आया तो मेस में हमको मालूम हुआ, बस उतना ही बड़ा हम हुआ। प्रियंका का बयान। इस प्रकरण में शोधपुर कोलियरी हाई स्कूल में कक्षा 6 में छात्रा उपभुक्त भोगी प्रियंका ने बताया कि उसके पापा तीनों बहनों को मनकेश्वर ले जाने की बात कहकर ले गए और कहा कि पहले हम लोग स्नान कर लेते हैं, इसके बाद मनकेश्वर चलेंगे। वे तीनों बहनों को नदी में थोड़ी दूर तक ले गए और गहरे पानी में ले जाकर छोड़ दिया। इस बीच सभी मम्मी पापा चिल्लाने लगी, तभी राजकुमार चौधरी नामक व्यक्ति ने आकर प्रियंका को पकड़ लिया। तब तक बाकी दो बहनें डूब गई, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ रही है। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? मेरा नाम पिंकी कुमारी। पिताजी का नाम? मिथिलेश ठाकुर। कल क्या हुआ था बेटा तुम्हारे साथ? पापा है ना 8:30 बजे आए और पापा बोले ना कि कहीं लेके जाएंगे चलेंगे, मतलब पहले बोले ना पापा कि मनकेश्वर चलेंगे, फिर वहाँ पे पहुँचे ना रोड पास, तो पापा सीधे में रोड पास, तो पापा बोले ना कि यहाँ पे चल के नहा के फिर घर आ जाएंगे। हम पापा को कितना जिद्दी किए, पापा बोले नहीं जाएंगे पापा, पापा बोला कि चलो चलो चलो। उसके बाद हम लोग गए, फिर है ना पापा सबसे पहले पापा गए, बहुत दूर चले गए पापा, और फिर है ना हाँ हम लोग यही सामने में नहा रहे थे, हम और चांदनी लक्ष्मी बैठी हुई थी ऊपर में। उसका बाद फिर है ना पापा बोले ना कि वहाँ तक चलो, फिर वहाँ तक चल के फिर घूम के आ गए। तो उसका बाद फिर से गए तो पापा हाथ छोड़ दिए थे, एगो अंकल हम लोग को बचाए, वो राजकुमार चौधरी बचाया। बाकी दो बहने खोजे लोग? नहीं मिला अभी। नहीं मिला? तो तुमको मैंने क्या कांख में दबा के ले गए थे? नहीं, हाथ पकड़े थे। और वो दोनों को कैसे करके पकड़े थे? कांख में हाथ से पकड़े। अच्छा, वो ले जाके पानी में छोड़ दिया दोनों को? वो दोनों चिल्लाई नहीं नदी में डूबने पर? हाँ, पापा की, मम्मी भी की। पढ़ती हो बेटा? हाँ। कौन क्लास में? 6 में। कहाँ? सोदपुर में। तुम्हारा मम्मी के क्या नाम है? संगीता देवी। मम्मी अभी कहाँ है? नहीं पता। अच्छा बेटा, पापा मम्मी में झगड़ा हुआ करता था रोज? ऐसे ही छोड़ रही है ना, परसों की तरसों वो बाजार में है ना, तो कोई कुछ बात पे है ना झगड़ा हो गया था पूरा। उसी के बाद क्या हुआ, रोज झगड़ा होते रहता था दोनों में। तुम मना नहीं करते थे कि पापा मम्मी लड़िए मत आप? हाँ बोलते थे, तो पापा तो नहीं लड़ते थे, फिर जब हम घर में नहीं रहते थे तभी लड़ाई होता था। पुत्र प्रेम ठाकुर और भगिना सोनू ठाकुर का बयान। मिथिलेश ठाकुर के पुत्र प्रेम ठाकुर ने बताया कि पिता और माँ के बीच हमेशा झगड़ा हुआ करता था। उसने बताया कि इस घटना के समय वह दूसरी जगह पर था, उसे पता नहीं चल पाया, बाद में लोगों से सुना तो दौड़ कर आया। माता पिता में झगड़े के कारण तो नहीं बता पाया, लेकिन कहा कि मैंने कई बार झगड़ा करने से मना किया करता था, पिताजी मान भी जाते थे। भगिना सोनू ठाकुर ने भी मामा मामी के बीच अक्सर झगड़े की बात स्वीकार की। इस दौरान प्रेम ने आरोप लगाया कि गुरुवार को बिहार के शेखपुरा से आए मां के पीहर से आए लोगों ने घर के अंदर घुसकर कपड़ों को बिखेर दिया और टीवी को तोड़ दिया। हालांकि ग्रामीणों ने कहा कि बात ऐसी नहीं है। बहन लोगों ने कहा, 2 तो डूबी गई, 1 बची थी। तो तुम मिथिलेश ठाकुर के बेटे हो? हाँ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रेम ठाकुर। और तुम्हारा बाबू? सोनू ठाकुर। तुम भगिना हो ना उनके? तुम दोनों नहीं थे घटना के समय?
नहीं मतलब मैं मतलब घर में था तो मैं सोया हुआ था तो दुकान तरफ गया था। अच्छा, तो हल्ला हुआ कि मतलब तुम्हारा ये ऐसे हो गया, तो मैं क्या कहते हैं जा रहा था मतलब नदी तरफ, तो देख रहे थे मेरे मामा को सब मिलके मतलब सब मिलके मार रहे थे। तो जैसे मैं गया तो क्या कहते हैं पुलिस लोग था तो मैं मामा को लेकर चला गया। तो हम मतलब मामा पास जैसे हम सोए की बात करें कुछ तो हम लोग तो पुलिस कहा कि नहीं नहीं हटो हटो, तो हम हट गए फिर चला गया। अच्छा, बड़ी जो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी अपनी जो बहन है उसका नाम क्या है? प्रियंका। कितना उम्र हो? 10 साल 12 साल 12 साल 12 साल। अब बाकी दोनों बहनों की? उसका एक 7 साल एक 2 साल। क्या नाम उसका? एक छोका लक्ष्मी और एक छोका चांदनी। उसका अब कितना उम्र हो? चांदनी का 7 साल और लक्ष्मी का 2 साल। देखिए सब क्या कर दिए, तोड़ ताड़ बराबर कर दिया। पिंकी अभी कहाँ भरती है? भरती नहीं है, हरिंग आगे घर है, यहाँ पर बात कर सकती है। थोड़ा बड़ा बाबू उसको बात करते हैं। अच्छा, वहीं चलते हैं। अब बाकी दोनों बहनों का फोटो है क्या? दोनों बहन का फोटो नहीं, मेरा जो अपना बहन है ना प्रियंका का, उसका फोटो है। अब वो दोनों फोटो नहीं है। फोटो नहीं है, नहीं है। अच्छा ठीक है। ये टीवी के फोड़े मैंने उसका भाई लोग, मैंने तुम्हारी छोटी माँ के भाई लोग है ना, बड़े नहीं। इधर इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी विक्षोभ दिखाई पड़ा। ग्रामीण इस परिवार के यहाँ रहने से अपने बाल बच्चों का खतरा जताया, कहा कि जो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है वह हम सबके बच्चों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा निर्दयी व्यक्ति और उसके परिवार का यहाँ रहना ठीक नहीं है। इस परिवार को यहाँ से हटाए जाने की मांग कर रहे थे। नहीं तो अगर नहीं आप लोग अगर नहीं नहीं कर सकते कि नहीं हटाएंगे तो फिर पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रामनगर कोलियरी 3 नंबर में आमरा कोएक जॉन संस्था की ओर से बासन पोरो माँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 1000 जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी बांटी गई। इस अवसर पर जितेंद्र कुमार तिवारी मौजूद रहे। कोई बंटवारा माँ के साथ सब कोई समान है, कोई आपस में बंटवारा नहीं करना है। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा लोग का उन्नति हो, लोग का भविष्य सुरक्षित हो, केवल इतना चाहते हैं। उसके लिए जो करना होगा सब कोई मिलकर करेंगे, यही काम कीजिए। मेरे द्वारा भी ये जो आप प्रक्रिया चलाएंगे एक साथ मिलकर, उसमें मेरा जो भूमिका होगा ठीक कीजिएगा, वो मैं भी पालन करूंगा। इसी बात के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए और सारे लोगों को लिए वस्त्र की व्यवस्था है, भोजन का व्यवस्था की है, सारे लोग नया कपड़ा लेके भोजन करके जाइएगा और पूजा खुशी के साथ मनाइए लेकिन सावधानी के साथ मनाइए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सोना मोदी ढंगोर चकोला कोड़ा आप दोनों भी एक जन के हमारा दादा को भी तो हाथ दिया हमारा माती पूजा। अंडाल थाना क्षेत्र के बहुला और छोरा इलाके में समो बैठी संस्था की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण समारोह आयोजित कर 560 जरूरतमंदों को नए वस्त्र दिया गया। इस संबंध में संस्था के आयन दास ने कहा, समो बैठी हर तरह से ऐसे लोगों के पास खड़ी रहती है जब उन्हें हमारी आवश्यकता पड़ती है। जब राज्य में आपदा आया तो वहाँ भी हमारी टीम जाकर सभी के पास खड़े हुए। आज दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने ऐसे परिवार के लोगों को नए वस्त्र देने का फैसला किया जो पूजा में वस्त्र नहीं खरीद पाते हैं। इस कार्य में हमारी संस्था के सभी सदस्य अपने निजी खर्च से यह कार्य को सफल बना रहे हैं। इस कार्य में गोपीनाथ दे, शुभोजित मित्रा, मुकेश सिंह, अमित कुमार, सुमोना मंडल, संगीता तन्मय धीबर, प्रणब दत्ता, अजीत बावरी, तन्मय बावरी तथा समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। आसनसोल क्लब के आगामी 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर सोमनाथ विस्वाल ने अपने पैनल की घोषणा कर दी है। इस पैनल में सोमनाथ विस्वाल अध्यक्ष, शोभन नारायण बसु सचिव, गुरचरण सिंह भरारा उपाध्यक्ष, मुरारी लाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। वहीं कार्यकारिणी सदस्य में गोपाल अग्रवाल, तरनजीत सिंह, बढ़ेरा जित्ती, नारायण शंकर मुरली, निलय गांगुली, प्रवीण चाचरा, श्रीवर्धन सराफ, सुनील सोनकर, तापस चटर्जी, उमंग अग्रवाल, गगनदीप सिंह सलूजा हैं।
राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के अनुसार आसनसोल नगर निगम द्वारा रविंद्र भवन परिसर में पश्चिम बर्धमान प्रेस क्लब का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान नगर निगम प्रशासक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी, पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन, पश्चिम बर्धमान के जिला शासक पुणेंदु कुमार मांझी आदि मौजूद थे। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में आयोजित प्रशासनिक सभा के दौरान घोषणा की थी आसनसोल में प्रेस क्लब बनाया जाएगा। इसके लिए पहला वैशाख का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना संकट के कारण तब इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। दुर्गा पूजा के दौरान उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। महापर्व दुर्गा पूजा में सर्वश्रेष्ठ पूजा आयोजन को लेकर मची होड़ के बीच ही पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने विश्व बांग्ला शरद सम्मान 2020 के लिए बुधवार को इसकी घोषणा की। इसके साथ ही विभिन्न कैटेगरी में जिला व अनुमंडल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पूजा के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस दौरान एडीएम डॉक्टर अभिजीत सेवाले तुकाराम ने पूजा कमेटियों को सम्मानित किया।